गोंडा जनपद के तहसील तरबगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम बैरमपुर बुढ़िया बाड़ी पुरवा में आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सभी ग्रामवासियों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें लिंक मार्ग से गांव तक सड़क बनवा कर मुहैया कराई जाए, क्योंकि मार्ग कच्चे हैं। बरसात में मार्ग में पानी भर जाने की स्थिति में मार्ग दलदल हो जाता है, गाड़ियां निकल नहीं पाती है, गाड़ियां फंस जाती है, नालियां भी व्यवस्थित ढंग से नहीं है, नालियां चौक हो जाती है, नालियों की सफाई की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे पानी नालियों से बाहर आकर मार्ग पर बहने लगता है। लाइट की भी व्यवस्था आज तक गाँव में नहीं हुई है। ग्रामवासियों का अधिकारियों एवं माननीयों से एक स्वर में कहना है कि लाइट, सड़क, नालियों की सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए, जिसके उनकी समस्याओं का समाधान हो और ग्रामवासियों का विकास हो सके। धनधर मिश्रा, आपका ग्राम कौन सा पड़ता है? भैरमपुर। अच्छा, तरबगंज गोडा। समस्या क्या है आपको? समस्या हमारे गांव में है कि ना तो बिजली है और ना आने जाने का कोई मार्ग है। जहाँ जो चक्रोड है वो सब बिना खड़ंजा, बिना किसी संपर्क, मतलब आरसीसी वगैरह कुछ नहीं है। गांव की आबादी कुल कितनी होगी आपके? हमारे गांव में 45-50 घर के लोग। 45-50। अच्छा, आपका नाम? जनार्दन तिवारी। तेज बोलिए। जनार्दन तिवारी। क्या समस्या है? ना सड़क है, ना बिजली है, ना इसमें नाली है, और सब परेशानी सब झेल रहे हैं, पूरा गांव झेल रहा है, यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। आपने आज तक जो है यहाँ के ग्राम प्रधान से या और जो लोग हैं आपके, उनसे कभी आपने बात की? हाँ, बात किया हमने। उनका क्या जवाब मिला? उनका जवाब मिला कि अब हो जाएगा। अब कब हो जाएगा? कि हमारे मरने के बाद में होगा कि नाथ पूत के बाद में होगा? बस यही हो जाएगा। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 65 साल। 65 साल की उम्र है, तब से आपके इस गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ आज तक। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? मनोज ओझा। क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि लाइट, बिजली, नाली वगैरह, यहाँ घर के मतलब फूसफास घर ज्यादा तेज है। मतलब आपका नाम? रघुवंश मर शुक्ला। क्या समस्या है आपको? नाली, सड़क, बिजली, कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप लोगों का, तीनों लोगों का कहना है, अभी मैंने और भी बात की थी, मेन बिजली और नाली यही समस्या है। बिजली, नाली, सड़क तीन बता रहे हैं। नहीं, बिजली, नाली, सड़क ये मेन समस्या यही है। और जो है आपने अभी बताया था कि जो है यहाँ पे जो है प्रधान ने आवास भी नहीं लोगों को दिया। नहीं, आवास पूरा नहीं, जैसे कि पात्र वाले आवास अभी नहीं पा रहे हैं, नहीं पाए हुए, अभी नहीं पाए। अच्छा, और उसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा समस्या आपको लग रही है वो कौन सी समस्या है? सबसे ज्यादा तो समस्या है गांव से लिंक मार्ग तक। अच्छा, लिंक मार्ग से गांव के अंदर तक आरसीसी हो या डामरीकरण हो या जो बजट हो वो करें, जो आज तक नहीं हुआ। जो रोड आप बता रहे हो, जो रास्ते बने हुए हैं, वो कच्चे हैं, दलदल हैं, गाड़ियां फंसती हैं, पलटती हैं, कई लोग जख्मी हुए, चोट भी खाए, ऐसी समस्याएं हैं। आप आगे जाइए। आबादी की ऊपर बात आपने की है, तो हमारे यहाँ की करीब 300 आबादी है हमारे इस ग्राम की। अच्छा अच्छा, इस ग्राम में। और ये सारी सुविधाएं आज तक उनको नहीं मुहैया नहीं कराई गई। कोई झांकने आता है वोट के लिए आता है, बिल्कुल आता है, वोट लेकर के जय सीताराम हो जाता है, जहाँ वोट पड़ा उसके बाद इधर नहीं वापस। आपका नाम क्या है? क्या समस्या है आपको? समस्या यही है हमका कि ना सड़क है, ना तो अनुभव कॉलोनी को मिला, ना लाइट ही, हम गरीब, हम तो कोने मुसीबत से काटी, और रास्ता हमको चाहिए। आपको रास्ता नहीं मिला हुआ है? रास्ता बीच गांव में है, रास्ता नहीं है साहब। तो रास्ता जो आपके घर तक जाता है, तो आप कैसे निकलती हैं? अरे हर रास्ता पातर है, ऐसा है कच्ची जमीन। अच्छा अच्छा, पानी भर जाता है बरखा में यहाँ। अच्छा अच्छा, कट करिए थोड़ा उन्हें चले। नंबर 1 बिजली की कमी। आप नाम बताइए। देवी शंकर तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष, तरबगंज गोंडा। ग्राम भैरमपुर। अच्छा, बुढ़िया बाड़ी पुरवा। हमारे यहाँ बिजली, सड़क, कॉलोनी और नाली, इतना प्रमुख
बहुत ही आवश्यक चीज है। इसकी सूचना आपने किसी को दिया अधिकारी को? इसकी सूचना माननीय विधायक जी से कहा, संसद जी से कहा, संसद जी का यहाँ प्रोग्राम हुआ, विधायक जी का प्रोग्राम इस गांव में हुआ और सबसे हमने बात किया इस बिंदु पर। क्या आप आश्वासन क्या दिए? लेकिन आश्वासन है कि काम हो जाएगा, लेकिन अभी काम हुआ नहीं। अच्छा। कितने सालों से कह रहे हैं आप इस काम को? अरे तो वर्षों बीत चुका, हम लोग बूढ़ा होने वाले हैं, लेकिन सड़क और बिजली यहाँ पर नहीं उपलब्ध। लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र इस समय 56 साल की है। 56 साल की है। तब से आपका कहना यह है कि आपकी इस ग्राम सभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ।